दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आज फिट इंडिया द्वारा साइकिल की रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद टीम HMS और फिट इंडिया द्वारा साइकिल रैली का आयोजन जयस्तंभ चौराहे से बजरंगगढ़ किले तक किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले, SDM, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेजसिंह यादव, फिट इंडिया क्लब, पतंजलि ग्रुप, ठाकुर ग्रुप, जॉन फिजिकल अकेडमी, शहीद मित्र मंडल, टीम HMS सदस्यगण उपस्थित रहे। दीपावली की बड़ी दूज के दिन कारसदेव भगवान पर दूध, दही, घी एवं मालपुए का भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि यहां पर सभी किसान भाई, पशु प्रेमी, सभी प्रकार के लोग पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आते हैं, कारसदेव से अपने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कारसदेव भगवान का मंदिर गुना से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। ये अति प्राचीन मंदिर है। कोरोना काल के चलते जेल में बंद भाइयों से भाई दूज के अवसर पर तिलक लगाने के लिए बहनें पहुंची। पुलिस प्रशासन द्वारा मानवता दिखाते हुए कुछ बहनों को उनके भाइयों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए मिलवाया गया, जिसके बाद बहनों के मन में खुशी की लहर दिखी। गुना जिले में गोवर्धन पूजा के लिए आदिवासियों के बीच अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बमोरी तहसील आदिवासी बाहुल्य गांवों में कई वर्षों से इस परंपरा को निभाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गौरी महोत्सव मनाया जाता है। पटेलिया समाज के आदिवासी गौरी महोत्सव मनाते हैं। जिस रास्ते से गायों का झुंड गुजरता है, उसी रास्ते पर आदिवासी जमीन पर लेट जाते हैं। जंगल से जब गाय वापस गाँव लौटती है तो जमीन पर लेटे हुए आदिवासियों के ऊपर से गुजरती है। आदिवासियों का मानना है कि गाय के खुर के नीचे लेटने से उन्हें आशीर्वाद मिलता है। भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्यौहार भैया दूज शनिवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने अपने भाइयों के दीर्घ आयु और सौभाग्यशाली होने की कामना करते हुए बहनों ने भाइयों के माथे पर सौभाग्य का तिलक लगाया। ड्रग माफियाओं पर गुना पुलिस की कार्यवाही, 1.5 लाख रुपए की स्मैक के साथ अंतरराज्यीय स्मैक दबोचे। मकसूदनगढ़ थाना पुलिस की कार्यवाही। मकसूदनगढ़ थाने की उकाबत चौकी गुना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक और महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए राजस्थान से स्मैक तस्करी करते हुए नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के बमोरी इलाके में एक 40 वर्षीय महिला की जहर खाने से मौत हो गई। उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का कहना है कि महिला ने सल्फास खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। उसने ऐसा क्यों किया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। शनिवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए भोपाल मंडल के अशोक नगर गुना स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ी दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम से द्वितीय श्रेणी का कोच अस्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया गया है। भाईदूज के अवसर पर जागपुरा स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कायस्थ जन उपस्थित रहे। कायस्थ समाज के आराध्य देव यम द्वितीय श्री चित्रगुप्त भगवान की दौज के दिन पूजा की जाती है। साथ ही घर घर कलम दवात की पूजन की जाती है। प्रतिवर्ष अनुसार ईश्वर श्री मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाए गए। दीपावली की बड़ी दूज के दिन कारसदेव भगवान पर दूध, दही, घी एवं मालपुए का भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि यहां पर सभी किसान भाई, पशु प्रेमी, सभी प्रकार के लोग पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आते हैं, कारसदेव से अपने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कारसदेव भगवान का मंदिर गुना से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। ये अति प्राचीन मंदिर है। जी गुरु जी बताएं, आज मेरा लगा हुआ है, मैं रहने वाला हूँ यहीं का जी। भक्तों की सेवा करता हूँ और माता की। जो आज मेला का आयोजन किया, मेला वर्षों से मेला चला आ रहा है, साल के साल बढ़ोतरी होती जा रही है धन और जन की। यहाँ लॉकडाउन की कोई प्रक्रिया नहीं होती,
कौन सा स्थान है जी? नारदी भगवान है, शंकर भगवान है, सारे देवी देवताओं का स्थान है। क्या चलता है यहाँ पे? दूध दही घी धन पैसा जो भी इच्छा होती है, बाल बच्चा पैदा न हो से सद्भावना हो जाती है, सब काम हो जाती है। और कोई भी दुख बीमारी हम दो तीन मरीज ऐसे देखे कि गले दुखे, तो गले वाले आके भगवान प्रार्थना करने में हमारा अच्छा होता है। गुरु जी ये दूध दही क्यों क्यों चढ़ाते हैं यहाँ पे? दूध दही मानता है ये गौ सेवा है। कोरोना काल के चलते जेल में बंद भाइयों से भाई दूज के अवसर पर तिलक लगाने के लिए बहनें पहुंची। पुलिस प्रशासन द्वारा मानवता दिखाते हुए कुछ बहनों को उनके भाइयों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए मिलवाया गया, जिसके बाद बहनों के मन में खुशी की लहर दिखी। कहाँ आए थे आप? भाई से मिलने। अच्छा, भाई को तिलक हो गया जी? हो गया। अच्छा, मिल लिया आपने भाई से? कितने साल बाद मिल पाई जेल? कितने साल बाद मिल पाई आप? अच्छा अच्छा, पहली बार मिले आके। अच्छा, गुना जिले में गोवर्धन पूजा के लिए आदिवासियों के बीच अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बमोरी तहसील आदिवासी बाहुल्य गांव में कई वर्षों से इस परंपरा को निभाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गौरी महोत्सव मनाया जाता है। पटेलिया समाज के आदिवासी गौरी महोत्सव मनाते हैं। जिस रास्ते से गायों का झुंड गुजरता है उसी रास्ते पर आदिवासी जमीन पर लेट जाते हैं। जंगल से जब गाय वापस गांव लौटती है तो जमीन पर लेटे हुए आदिवासियों के ऊपर से गुजरती है। आदिवासियों का मानना है कि गाय के खुर के नीचे लेटने से उन्हें आशीर्वाद मिलता है। भाईदूज के अवसर पर जागपुरा स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कायस्थ जन उपस्थित रहे। कायस्थ समाज के आराध्य देव यमदूत श्री चित्रगुप्त भगवान की दौज के दिन पूजा की जाती है, साथ ही घर घर कलम दवात की पूजन की जाती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाए गए।